नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। गरीब मरीजों का उपचार कर उनकी जान से खिलवाड़ करने वाले चंदन चौधरी महज 12वीं तक शिक्षित था। नेचुरोपैथी का कोर्स कर वह जटिल बीमारियों का भी उपचार कर रहा था। चौधरी का मनोबल इतना मजबूत था कि वह उपचार करने के साथ नर्सिंग का प्रशिक्षण भी देने लगा। इसका पता चलते ही न्यू कामठी पुलिस ने मनपा की मदद से गुरुवार को सैलाबपुरा स्थित हॉस्पिटल पर छापा मारकर चौधरी को गिरफ्तार किया था। 45 वर्षीय चौधरी 10 साल से यह हॉस्पिटल चला रहा था। कोविड के वजह से भीड़ जुट गई तो पुलिस का ध्यान जाने से उसकी पोल खुल गई। चौधरी 12वीं तक पढ़ा है। वो एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम करता था। कामकाज का अनुभव होने से वह बिहार में डॉक्टर की तरह काम करने लगा। वह अधिक कमाई नहीं होने से 12 साल पहले नागपुर आ गया। बगैर डिग्री के काम करना उसे जोखिम भरा लगा, इसलिए उसने आइसक्रीम बेचने लगा। इसके बाद उसने नेचुरोपैथी का कोर्स किया। इसके बाद सीधे हॉस्पिटल ही आरम्भ कर दिया। सैलाबपुर में मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। वह चौधरी के पास उपचार के लिए आने लगे। चौधरी इंटरनेट और किताबों से दवाओं की जानकारी हासिल कर मरीजों को एलोपैथी की दवा देने का अलावा प्रिस्क्रिप्शन भी देने लगा। उसने हॉस्पिटल में नर्सिंग पाठ्यक्रम भी आरंभ कर दिया था। कोविड के वजह से हॉस्पिटल उसका हाउसफुल हो गया था। चौधरी ने एक साल में कई कोविड संक्रमणों का उपचार भी किया।